भारत के T20 कप्तान के रूप में डेब्यू करने से पहले सूर्य कुमार यादव ने 22 नवंबर को एक प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही सूर्य हैरान रह गए, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने बस दो ही रिपोर्टर्स आए थे। आप लोगों को शायद सुनकर शॉक लगा होगा, लेकिन ऐसा सच में हुआ। ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों के साथ साथ मीडिया पर्सनल भी वर्ल्ड कप से थक गए हैं। ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से अपनी हार के ठीक 3 दिन बाद टीम इंडिया सेम ही ओपोनेंट के साथ एक बायलेटरल सीरीज खेलने के लिए मैदान में उतर रही है। लेकिन इस सीरीज की शुरुआत से पहले ही सूर्य को एक सरप्राइज मिला, जब उनकी एज अ कैप्टन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दो लोगों ने अटेंड करी। रूम में एंटर करते ही सूर्य मुस्कुराते हुए हैरानी में कहते हैं, सिर्फ दो लोग, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है, मतलब सिर्फ 4 मिनट चली। अब भाई सवाल पूछने के लिए कोई होगा ही नहीं, तो सेशन को लंबा खींचने का क्या फ़ायदा। इस इंसिडेंट पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट विमल कुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते लिखते हैं, जब वर्ल्ड कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 लोग थे, अब सिर्फ दो लोग रह चुके हैं, ये चौंकाने वाली बात है। विमल जी के साथ साथ मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये रिकॉर्ड तौर पर एक क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे कम अटेंडेंस रही है? कॉमेंट बॉक्स में हमें ये लिख के ज़रूर बताइए। देखिए, अब ये तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड कप के लगातार 48 मैचों के बाद प्लेयर्स और स्टाफ के साथ साथ फैंस भी थोड़ा थक गए हैं, और काफ़ी लोग यह भी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी मैच कराने की क्या ज़रूरत थी, वर्ल्ड कप तो बस अभी ख़त्म हुआ है। लेकिन बस ये नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 4 जून 2024 से T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, और इसके लिए हमारे पास 6 महीने से भी कम टाइम है। इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट करे सभी टीम उसकी तैयारी में लग रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।